हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डी डी मेथड के सोल्यूशन पे। मैं दीनदयाल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 46 लेकर के आए हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या स्टूडेंट्स, और उसको हम बड़ी ही जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और एक नया क्वेश्चन हम सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। कह रहा है इफ टा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर एन होल टू दी पावर 2 बाई 3 प्लस एम एन स्क्वायर होल टू दी पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कहीं ए आए, बी आए, एम आए, एन आए, तो आप करते क्या है वो सारी वैल्यूज ला करके यहाँ पर पुट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो हम करेंगे क्या, पहले एम स्क्वायर एन और एम एन स्क्वायर की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद वो वैल्यू ला करके हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और हमें 1 मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसेस है। आइए हम प्रोसेस को अप्लाई करते हैं और इसको हम लोग करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, स्टूडेंट से हम फाइंड करेंगे एम स्क्वायर एन की। ठीक है, तो फाइंड करते हैं एम स्क्वायर एन की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो आपकी वैल्यू जो गिवन है वो रख दीजिए, तो आपको स्टूडेंट्स मिलेगा यहां पर कॉसेक थीटा माइनस में स्टूडेंट्स मिलेगा आपको साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से, और इनटू में एन, एन मींस कितना है आपके पास, एन में स्टूडेंट्स आपके पास यहां पे हो जाएगा सेक थीटा और माइनस में कितना कॉस थीटा। ठीक है, केवल और केवल मैंने एम और एन की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए इसको हम लिखेंगे 1/5 साइन थीटा। ठीक है, और माइनस में साइन थीटा आप लिख रही है और होल स्क्वायर यहां पर लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा 1/5 कॉस थीटा और माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही आप एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करिए। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर फिर से आप जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में स्टूडेंट्स यहाँ आपको मिलेगा कॉस थीटा। ठीक है, आराम से सॉल्व करिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपका होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर यहां पर लगा रहेगा। ठीक है, अपान में इसका भी होल स्क्वायर नीचे लगेगा डिनोमिनेटर में, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। इनटू में आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान में आपको मिलेगा कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, तो हमें कॉस की पावर 4 थीटा अपान में कॉस थीटा। अब एक कॉस थीटा यहां से कैंसिल करके आप इसकी वैल्यू ला सकते हैं कॉस क्यूब थीटा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए किसकी वैल्यू आपको मिली है, आपको मिली है यहाँ वैल्यू एम स्क्वायर एन की। ध्यान से समझिएगा, एम स्क्वायर एन की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली आप एम एन स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करिए। नाउ आपको फाइंड करना है एम एन का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए वैल्यू पुट करिए एम की, एम की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको स्टूडेंट्स हम वही फिर से लिखेंगे 1/5 साइन थीटा और माइनस में कितना साइन थीटा, यहाँ पे 1/5 कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। आराम से सिंप्लीफाई करते चलिए। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा। ओके, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते जाइए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब आप करोगे तो ये आपको मिलने वाला है कॉस स्क्वायर थीटा और होल का अपान साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और नीचे मेरा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये ऑलरेडी कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स आपको मिला कितना, देखिएगा मिला साइन टू द पावर 4 थीटा अपान साइन थीटा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपको मिलेगी साइन क्यूब थीटा। किसकी वैल्यू मिली है, एम एन स्क्वायर की। ठीक है, एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आप बा चुके हो साइन क्यूब थीटा।
देखिए एम स्क्वायर एन की वैल्यू यहाँ फाइंड किया था मैंने और यहाँ पर एम एन स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड किया। देखिए अब जो आपको प्रूफ करना है केवल और केवल ये वैल्यूज ले जाकर के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मेरे पास जगह कम है इसलिए डायरेक्ट वैल्यू यहीं पर पुट करेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इसको और ये वैल्यू ले जाकर के वहाँ पर पुट करेंगे। देखिए एम स्क्वायर एन की वैल्यू जब पुट करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा कॉस क्यूब थीटा और होल की पावर 2/3, ओके, प्लस में इसकी वैल्यू पुट करिए आपको मिलेगा साइन क्यूब थीटा होल की पावर 2/3, ओके ना। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहां पर ये आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से जरूर समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, आप उसको जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। और जल्द ही हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो कंप्लीट होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।